दोस्तों आज हम भारत की उन पांच पहली महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिनका योगदान विज्ञान के क्षेत्र में रहा है। भारत की पांच पहली वैज्ञानिक महिलाएं जिनमें से पहली आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी पहली इंडियन फिजिशियन और यूएसए से वेस्टर्न फिजिशियन में 2 साल की डिग्री के साथ ग्रेजुएट करने वाली पहली महिला थी। उनकी शादी 9 साल की उम्र में ही हो जाती है। 14 साल की उम्र में वो एक बेटे को जन्म देती है। पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटी न होने के कारण उनके बेटे की डेथ हो जाती है। बेटे की डेथ से इंस्पायर होकर वो एक फिजिशियन बनने की सोचती है। जानकी अम्मल। जानकी अम्मल पहली इंडियन बोटनिस्ट थी। साइटोजेनेटिक्स और पाइटोजियोग्राफी पर वर्क किया है। जानकी अम्मल को 1977 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली इंडियन साइंटिस्ट थी। कमला सोनी पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने साइंटिफिक डिसिप्लिन में पीएचडी डिग्री ली थी और वह प्रोफेसर सीवी रमन की पहली वुमेन स्टूडेंट थी। उन्होंने एक शोध में पाया कि पौधों के ऊतक के प्रत्येक कोशिका में एंजाइम साइटोक्रोम सी होता है जो सभी पौधों की कोशिकाओं के ऑक्सीकरण में शामिल होता है। असीमा चटर्जी एक इंडियन केमिस्ट थी जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फाइटोकेमिस्ट्री जो कि एक पौधे से प्राप्त रसायन पर कार्य किया है। उन्होंने विंका एल्कलाइड्स जो पेरीविंकल से उत्पन्न जो कैंसर रोधी गुणों के लिए जाना जाता है पर रिसर्च किया। एंटी एपिलेप्टिक और एंटी मलेरिया ड्रग्स को डेवलप किया था। राजेश्वरी चटर्जी। राजेश्वरी चटर्जी कर्नाटक राज्य की पहली महिला इंजीनियर थी। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली और IISc में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक माइक्रोवेव रिसर्च लेबोरेटरी को स्थापित किया। थैंक यू दोस्तों। तो ये भारत की पहली 5 साइंटिस्ट महिलाएं थी।